नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के भाजपा जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी 5 से 23 अगस्त के बीच प्रशिक्षण देगी, जहां उन्हें केंद्र और सरकार की योजनाओं को भाजपा की नीति रीति के साथ ही संगठन विस्तार और चुनाव की दृष्टि से उनकी भूमिका समझाई जाएगी। वहीं प्रशिक्षण वर्गो में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धनपाल सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री कई सत्रों को संबोधित करेंगे। वहीं शहरी निकायों के पार्षद और मेयरों का प्रशिक्षण 10 सितंबर तक कराया जाएगा। बीजेपी के प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत हो रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। पश्चिम क्षेत्र को साधने की पूरी कवायद की जा रही है। बीजेपी प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि भाजपा की रीति नीति के साथ ही संगठन विस्तार और चुनाव की दृष्टि से उनकी भूमिका भी समझाई जाएगी। वहीं प्रशिक्षण वर्गों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के अलावा मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री कई सत्रों को संबोधित भी करेंगे। वहीं शहरी निकायों के पार्षद और मेयरों का प्रशिक्षण 10 सितंबर तक कराया जाएगा। बीजेपी के प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत हो रही है। बता दें पश्चिम क्षेत्र को साधने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2024 की बारी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं अब पश्चिम क्षेत्र को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कवायद नहीं छोड़ रही है। बीजेपी प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कर रही है। प्रदेश के भाजपा जिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण देंगे। बता दें कि ये अभियान 5 से 23 अगस्त के बीच होगा। पश्चिम क्षेत्र को साधने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी के प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पश्चिम क्षेत्र को साधने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र को साधने में कोई कवायद नहीं छोड़ रही है। अब प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ रणनीति? जी बिल्कुल मयूरी, अगर बात की जाए तो 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ संगठन में जो रिक्त पद है उस पर लगातार पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, तो वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों के प्रवास पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि आज से प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो रहा है पश्चिम क्षेत्र से। कहीं ना कहीं देखें तो पश्चिम से अपने प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव को लेकर निर्देशित करने की तैयारी है। अगर बात की जाए तो आज से प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है और 23 अगर बात करें तो 23 अगस्त तक ये शिविर चलेगा। इस शिविर के माध्यम से अगर बात करें तो पश्चिम से लेकर अवध, चाहे बात की जाए जाट लैंड हो, चाहे बात की जाए पूर्वांचल हो, चाहे अवध क्षेत्र हो, हर एक जगह के जो तमाम जनप्रतिनिधि है, खासतौर से अगर बात की जाए तो जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर पंचायत सदस्य जे समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिन्होंने चुनाव जीता था, उनको कहीं ना कहीं एक मंच पर लाकर और 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, कैसे जनता के बीच जाकर 9 साल के कार्यों को रखना है और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को कैसे गिनाते हुए आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का झंडे को कहीं ना कहीं मजबूत करना, इसको लेकर अब प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत हो गया है। अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण शिविर में तमाम बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के तौर पर रखा गया है, जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उन्हें 2024 चुनाव को लेकर निर्देशित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसमें साफ तौर से अगर देखा जाए मयूरी, तो 2024 चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक जनप्रतिनिधियों को
2024 चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी को स्पष्ट करने में लगी हुई है और उनकी जिम्मेदारियों को तय करने में लगी हुई है। तो आज पश्चिम के जिला पंचायत और साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों को आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से गुरु मंत्र दिए जाएंगे। जी दिवांशु, इस प्रशिक्षण अभियान की जिम्मेदारी किस किस को दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसमें क्षेत्रीय नेताओं की कहीं ना कहीं अगर देखें तो इन्वॉल्वमेंट यानी कि उनका रुझान ज़्यादा रहेगा। अगर बात करें तो सांसद हो, विधायक हो, या अगर बात करें तो वो नगर निगम में आता है तो वहाँ की मेयर हो। साथ ही इसमें बात की जाए तो तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कहीं ना कहीं पश्चिम से आते हैं तो उनके पास भी अहम जिम्मा रहेगा, क्योंकि पश्चिम में अगर देखें तो 2022 के लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन जब हुआ तो उस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से कहा गया था कि पश्चिम में बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी, मगर बात करें जब चुनाव नतीजे आए तो साफ तौर से पश्चिम से एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। तो इस नतीजे से कहीं ना कहीं पश्चिम पर पूरा फोकस रहेगा। और बात करें तो प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और साथ ही साथ बात करें तो प्रदेश महामंत्री अगर सुजीत सिंह समेत तमाम बड़े पदाधिकारी इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव को लेकर निर्देशित करेंगे। जी विवांशु, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कर रही है, अगर इसमें कामयाब होती है तो आगामी चुनाव में कितना फायदा मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को? जी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की है, टिफिन पे चर्चा की है, अपने हर एक बीजेपी जो जितने उनके प्रकोष्ठ हैं उन प्रकोष्ठों की बैठक की है और बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के अंदर 2024 चुनाव को लेकर एक अलख जगाने का प्रयास की है। उसी क्रम में आपको बताया कि प्रशिक्षण शिविर से कैसे बूथ मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं ज्ञान को निर्देशन को लेकर निर्देशित किया जाएगा कार्यकर्ताओं को, साथ ही साथ वोटर लिस्ट में कैसे करना है, नामों को कैसे जुड़वाना है इसको लेकर निर्देशित किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के पदाधिकारी हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, चाहे बात की जाए वो है तो अगर देखें तो बूथों पर जो बूथ की टोली है या बूथ अध्यक्ष है या पन्ना प्रमुख है, इन तमाम पदाधिकारियों को कैसे जाना है और कैसे लोगों के बीच संवाद स्थापित करना है इसको लेकर निर्देशित किया जाएगा। और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को एक पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई है। जी जी धन्यवाद आजम से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की तत्काल पूजा के लिए दाखिल नए वाद की सुनवाई आज सिविल जज सीनियर डिवीजन शिखा यादव की अदालत में होगी। यहां यह वाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगदीश शंकराचार्य स्वामी अवितुमिक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य और आदि विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी शैलेंद्र योगी राज सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है। इसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ अन्य को पक्षकार बनाया गया है। वहीं सावन में अति मास की वजह से पूजा की अनुमति अवश्य बताई गई है। पूजा के मामले में आज फिर से एक बार सुनवाई होनी है। अदालत के आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की पूजा के मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की पूजा को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई हो रही है, क्या कुछ जानकारी? बात की जाए तो ज्ञानवापी प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है। अगर बात करें तो इसके पहले ज्ञानवापी परिसर में जिस तरीके से शिवलिंग और वजू खाने का विवाद हुआ था तब यह मामला हाईलाइटेड था और चर्चा का
केंद्र बना हुआ था। इसके बाद एएसआई के सर्वे को लेकर यह विषय जो है वो चर्चा का केंद्र था, फिर हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दी। तमाम चीजें आपने देखी और सुनी होंगी किस प्रकार से मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और हिंदू पक्ष ने सर्वे की इजाजत मिलने के बाद तमाम खुशियां मनाई। उसके बाद एएसआई की 43 सदस्यीय टीम जो है वो सर्वे का काम करने में जुट गई। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर में जिस तरीके से शिवलिंग और एएसआई के सर्वे के विवाद के बाद अधिमांश के समय में देखा जाए तो विश्वेश्वर मामले पर आज सुनवाई होनी है। लोगों का कहना है, जो वादी है उनका कहना है कि सावन का पवित्र मास है, अधिमास लगने वाला है, 16 अगस्त को एक विशेष तारीख है, इसके लिए ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला था उसकी पूजा अर्चना करने की अनुमति उनको मिलनी चाहिए। बाकायदा आज वाराणसी के जिला सत्र न्यायालय में शिखा यादव के अदालत में ये सुनवाई होगी और इसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य को भी पक्षकार बनाया गया है। मयूरी, विवेक, जो याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या कुछ दलीलें हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो इस याचिका को वाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविक्ता सुनेन्द्र सरस्वती के शिष्य व विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने याचिका दाखिल की है और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य को इसमें पक्षकार बताया है। इसमें कहा गया है कि सावन मास में अधिमास की वजह से पूजा की अनुमति आवश्यक है और सनातन धर्म में सावन मास का एक विशेष महत्व होता है। अधिमास का भी एक विशेष महत्व होता है। समस्त सनातन को मांगने वाले लोग इस मास में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे में सावन मास है और ऐसा कई साल बाद ऐसा आया है कि सावन 2 महीने का है, कुल 58 दिनों की बात बताई जा रही है, उसमें अधिमास भी बताया गया है। तो सावन मास के पवित्र मास के अलावा अधिमास की जो बात कही जा रही है, इसी के सिलसिले में याचिका दायर की गई है कि यहाँ पे पूजा अर्चना की जरूरत बताई गई है, इसलिए अदालत की तरफ से उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो अधिवास में यहाँ जाके उस शिवलिंग की पूजा कर सके, अर्चना कर सके। इसके बाद जो वादी के अधिवक्ता हैं डॉक्टर एस के द्विवेदी, उन्होंने बुधवार को ये भी बताया कि अधिमास में पूजा अर्चना का अधिकार मिलना ही चाहिए, जबकि शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने सरकार की तरफ से इसका विरोध भी किया था। मयूरी, विवेक, ये जो पूजा के मामले में आज सुनवाई होनी है ये कितने बजे होगी, क्योंकि अदालत के आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह की चीज़ें भी की जा रही हैं और ज्ञानवापी परिसर के इस मामले पे जो याचिका दायर की है अधिमान से पूजा के लिए, उसकी सुनवाई दोपहर से शुरू हो जाएगी। अब सुनवाई शिखा यादव की अदालत में होगी, उनके नेतृत्व में होगी और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायालय ये आदेश देगा कि जो याचिका डाली गई है पूजा अर्चना के लिए अधिक मास में, उस याचिका पर क्या फैसला न्यायालय का आ सकता है, कोर्ट का आ सकता है, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार से ज्ञानवापी परिसर लगातार चर्चा का केंद्र रहा था शिवलिंग और वज्रखाने के विवाद के बाद, एएसआई के सर्वे के विवाद के बाद। अब अधिमास में पूजा अर्चना की अनुमति जो है वो मांगी गई है शासन से। अब देखना होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश स्टेट को भी इसमें पक्षकार बनाया गया है और अन्य लोगों को भी इसमें पक्षकार बनाया गया है, जिला सत्र न्यायालय वाराणसी इस पर क्या अपना फैसला देता है, इन लोगों को पूजा अर्चना की अनुमति अधिक मास में मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एएसआई के सर्वे का काम भी वहाँ पे चल रहा है। अगर पूजा अर्चना की अनुमति दी गई तो कहीं ना कहीं एएसआई के सर्वे का काम भी बाधित होगा और एएसआई को जल्द से जल्द अपने सर्वे का काम पूरा करके रिपोर्ट भी शासन को सौंपनी है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। मणिपुर हिंसा पर हंगामे की गवाह बने संसद के मानसून सत्र में अब सबकी निगाहें सोमवार से शुरू हो रहे अंतिम हफ्ते की कार्यवाही पर है, जहां अंतिम सप्ताह में ही लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, वहीं राज्यसभा में सरकार के समक्ष दिल्ली सेवा विधेयक पारित कराने की चुनौती है। डाटा संरक्षण विधेयक सहित करीब एक दर्जन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार के पास अब महज 5 कार्य दिवस बचे हैं, खासतौर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।
बता दें मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह है, एक दर्जन विधेयक पारित करने की बड़ी चुनौती है। डाटा संरक्षण विधेयक सहित करीब एक दर्जन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार के पास महज अब कुछ ही वक्त है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मानसून सत्र के आखिरी पांच दिन बचे हुए हैं, आखिरी सप्ताह चल रहा है। अगर बात करें तो मानसून सत्र के अंदर में 12 अति महत्वपूर्ण विधेयक बिल पास कराने का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके कहीं ना कहीं तमाम सहयोगियों दल जो है उनके पास चुनौती होगी। अगर बात की जाए तो दिल्ली सेवा विधेयक बिल पर कहीं ना कहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में चर्चा होने को है, और बात करें तो राज्यसभा में माना जा रहा है कि ये बिल पर चर्चा कहीं ना कहीं काफी सत्ता पक्ष के लिए कठिन रहेगा, क्योंकि बात करें तो राज्यसभा में यस और नो लॉबी यानी कि सत्ता और अगर विपक्ष को देखें तो एक समान है, और इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी समेत INDA के तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुटता से कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मानसून सत्र के अंदर में लगभग 12 ऐसे विधेयक हैं जो लंबे अवसर से पेंडिंग में हैं, उनके भी कहीं ना कहीं पारित होने की चुनौती है। साथ ही आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार बात कर रहा है कि वो पार्लियामेंट आए और चर्चा करें, तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले जो 5 दिन हैं उसमें क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का हिस्सा बनते हैं या नहीं। साथ ही आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उत्साहित है, और उनके अगर बात करें तो हौसलों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। कल देश की राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई उसमें साफ तौर से कहा गया है कि राहुल गांधी की सांसदी छीनने में रद्द करने में एक घंटे अगर बात करें तो एक दिन भी नहीं लगे, तो अब उन्हें फिर से संसद में रिज्वाइन करने में कितना समय लगता है वो वक्त बताएगा, और निश्चित तौर से अगर एक दिन में उनकी सदस्यता रद्द हुई है तो एक दिन में उन्हें भी ज्वाइन भी करवाया जाए, ऐसा विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी की तरफ से चुनौती भी दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन 5 दिनों के अंदर राहुल गांधी वापस संसद आते हैं या नहीं। और बात की जाए तो राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिलने के बाद आज सदन में कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय भी रह सकता है। मयूरी विवांशु, इससे पहले देखिए सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ा है, वहीं अब कुछ ही वक्त बचा है, सरकार के पास ये बड़ी चुनौती है विधेयक पारित कराने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम वक्त है अब। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के खिलाफ जो एक तरफ से जहां कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं, और उसी दरमियान अगर बात की जाए तो 12 विधेयक लंबे अवसर से पेंडिंग हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है सत्ताधारी पार्टी के लिए यानी कि NDA के लिए। और देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई थी जिसे स्वीकृति मिली है, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष को चर्चा करनी है। तब देखने वाली बात ये होगी कि अविश्वास पर विपक्ष से कौन नेता बोलते हैं और किन तरह के आरोपों को लगाते हैं, और उसके बचाव में सत्ताधारी पार्टी यानी कि NDA अलायंस की तरफ से कौन जवाब देते हुए नजर आता है। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।